बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रब्बी इशराली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ तैयबा सिद्दीकी, फ़ाइनल ईयर स्टूडेंट, फैकल्टी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, हमदर्द यूनिवर्सिटी, कराची। टुडे आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट आर रिसर्च टॉपिक विच इज़ फैक्टर्स एसोसिएटेड विद प्रिकॉक्शस प्यूबर्टी इन चिल्ड्रंस ऑफ कराची। This research is done under supervision of my teachers and mentor Sayyed Zahurul Hasan Zaidi and Tabiba Lina Hamid, and my team members include Sana Qasim, Hafiza Hafsa Abbasi and Mozab Jahangir. Well, basic objective of our study is to evaluate factors which are causing precocious puberty, and before initiating further it is appropriate to define what does puberty means or what is precocious puberty. Puberty is basically the period of 12 to 14 years of age in which individual become functionally capable of reproduction, and if this puberty take place before the age of 8 years it is said to be precocious puberty. If I talk about outside factors through which precocious puberty occur, these are role of nutrition, habits, type of foods consumptions, and pediatric obesity. Now I am proceeding towards methodology of the survey. Well, the term of methodology, we had designed the questionnaire in order to evaluate factors that might be causing precocious puberty, and for this we have categorized age group in between 8 to 18 years. Both genders were included in this study, and the total number of participants were 475. In this, about 28% of children developed puberty at the age of 10, and factors that could be associated with precocious puberty are like 79% of the children consume carbonated drinks on daily basis, while 64% of children consume their foods in plastic crockery, whereas 43% of children consume farm chicken in daily basis, and 37% children prefer to do indoor activities in their leisure time, whereas 32% children consume food hot in microwave ovens, and 7. हमारी स्टडी से हमने ये कंक्लूड किया है कि हायर एनिमल प्रोटीन इनटेक एफिलिएट होती है अर्ली मेनार्की से, जबकि हायर वेजिटेबल इनटेक जो होती है वो लिंक करती है लेटर मेनार्की से। अब हायर प्रोटीन इनटेक किस तरह एफिलिएट हो रही है? जब हायर प्रोटीन कंजम्पशन होती है तो वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो होता है उसके लेवल्स को इंक्रीज कर देती है बॉडी में। फिर IGF-1 जब इंक्रीज होता है तो वो एक तो ग्रोथ को एक्सेलरेट करवा देता है, और सेकेंडली ये एस्ट्रैडियोल सिग्नलिंग करवाता है। एस्ट्रोजन जब इंक्रीज होगा तो बॉडी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह प्रिकॉक्सिस प्यूबर्टी हाई प्रोटीन इनटेक की वजह से हिट होती है। फिर सेकेंडली, अगर जो सेकेंड फैक्टर है हमारा प्लास्टिक क्रॉकरी का, अगर उसकी बात करें तो प्लास्टिक क्रॉकरी में एक केमिकल यूज़ होता है जिसको BPA कहा जाता है, और इसको किंग ऑफ एंडोक्रीन डिस्रप्टिंग केमिकल भी कहा गया है। अच्छा, जब ये BPA एब्जॉर्ब होता है बॉडी में तो ये डिस्रप्ट इस तरह करता है केमिकल्स, नेचुरल केमिकल्स को, कि या तो ये उनकी उनको हार्मोन्स को इंक्रीज़ करवा देता है, या फिर ये हार्मोन्स को डिक्रीज़ करवा देता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं बॉडी के वो डिस्रप्ट हो जाते हैं और प्रिकॉक्सिस प्यूबर्टी हिट होती है। थर्डली, सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन की वजह से जो हमारा फैक्टर है, ग्लाइसोलेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं वो रैपिडली इंक्रीज़ कर देती हैं बॉडी में इंसुलिन की कंसनट्रेशन को, जिसकी वजह से सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं वो एलिवेट हो जाते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। एंड इन लास्ट, आर रिसर्च कंक्लूड्स दैट द मोस्ट कॉमन फैक्टर एसोसिएटेड विद प्रिकॉक्सिस प्यूबर्टी इन बोथ जेंडर इज मोस्टली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, देयर अनबैलेंस्ड डाइटरी पैटर्न, कंजम्पशन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड फार्म चिकन, which further causes mood swing in children along precocious puberty,
And if we limitize these factors from our routines so that we can contribute to save precious childhood of our generation, thank you.